ये फ़रवरी महीना 6 तारीख के दिन रात में 9:30 के टाइम पे एक मोहम्मद अयाज अलियास अब्बू 28 ईयर्स ये पोल्ट्री के ड्राइवर है, इनको ये मेजेस्टी सैलून के पास संजय गांधी नगर में कत्ल किया गया। उस सिलसिले में हम केस रजिस्टर करके हम लोग उस पर तहकीकात करें। उसमें जो है सो मोहम्मद आसिफ एलियास पोकंडी, शेख खालिद एलियास करेंसी खालिद, मोहम्मद अफरोज खान लेट मोहम्मद ओके मोहम्मद नदीम कुरैशी, ये चार इन्वॉल्व हुए। अब हम वहाँ पर सीन में मिले सो साइंटिफिक एविडेंस और जो आई विटनेसेस उसके एविडेंस कलेक्ट करके हम वो करें। इसमें लोगों को कल ये कब्रस्तान के पास आए तो हम लोग अरेस्ट करें संजय गांधी नगर में। ये लोग हमारे को इसका एक एक का एक एक हिस्ट्री है, ये केस का असल चीज़ क्या है बोल तो ये मोहम्मद आसिफ के चाचा को ये कत्ल किया कालापत्थर पुलिस स्टेशन में, क्राइम नंबर 28/2015 में। 2015 में ये मर्डर केस में इन्हों येत्री थे, मरहूम जो है सो मोहम्मद अयाज जो है सो इन्हों येत्री थे। उस सिलसिले में ये लोगों के बीच में राइवलरी था, तो वो राइवलरी दिल में रख लेके एक 2 महीने पहले ये मरहूम जो है सो एक घर लिए यहाँ पर फलकनुमा एरिया में, वो घर लिए तो वहाँ पर जो है सो ये शेख मोहम्मद आसिफ है अलियास पोकंडी उनके वालदा रहते, उनके वालदा जो है सो ये लोगों को झगड़ा हुआ तो उसके बाद में ये मरहूम जो है सो उनका घर कालापत्थर एरिया को शिफ्ट करे। लेकिन इनका वालदा इन्हों शाकिरा बेगम बोल के इन्हों इनका बेटा आसिफ ये कालापत्थर पुलिस स्टेशन में इनका सस्पेक्ट शीट है, इनको इंस्टिगेट करे, इनको उसको कत्ल कैसा भी करना है, इन्हें ऑलरेडी तुम्हारे चाचा को मार डाला और मेरे से भी लड़ा बोल के बच्चे को फ़ोन करे तो इन्हें आसिफ आया और उसका दोस्त इन्हें शेख खालिद अलियास करेंसी खालिद ये कालापत्थर का रोडी शीटर है और इनका दोस्त मोहम्मद अफरोज खान इन्हों 7 प्रॉपर्टी ऑफेंसेज में भी है इन्हों, और नदीम कुरैशी, ये नदीम कुरैशी भी ये फलकनुमा पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट शीट है प्रॉपर्टी ऑफेंसेज में, इससे पहले अरेस्ट कर रहे थे। ये लोगों को मिला लेके इनका रिकी करके इनको मर्डर किए। इसमें ये लोगों को मुलजिमों को गिरफ्तार करने में हमारे फलकनुमा पुलिस और टास्क फोर्स जो है सो अहम रोल करे। उस दिन से हमारे टास्क फोर्स साउथ जोन टीम जो है सो राघवेंद्र इंस्पेक्टर और गुम्मी चक्रवर्ती साहब के सदारत में बहुत कुछ मदद करे। इसमें हम लोग ये लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में कर रहे हैं और फर्दर इसमें एविडेंसेस भी टेक्निकल एविडेंसेस और ये पूरा इकट्ठा करके चार्जशीट करेंगे। और इस सिलसिले में बोलने क्या है बोल तो आप लोगों को पब्लिक से गुजारिश है, ये लेट नाइट रहने से ये ऐसे लोग मिल के बात करने के वास्ते एक अड्डा बन जा रहा, उसीलिए हम लोग चबूतरा कर रहे हैं। और हर माँ बाप भी बच्चों को ऐसा फिरने से किसी से मिलने से रोक दो। एक बार आप लोग भी आपके बच्चों को देखो, एक मर्डर हुआ, एक कत्ल हुआ बोल तो एक आदमी का नहीं, वो फैमिली पूरा बर्बाद होता। छोटे छोटे गलतियाँ करके आप लोगों से गुजारिश है, छोटे छोटे गलतियाँ करके आप लोग भी रौडी शीटर मत बनो। और हमारे सीपी साहब सीवी आनंद साहब आने के बाद हमारे डीसीपी साहब थोड़े रौडी शीटर्स जो अच्छे रह रहे हैं वो लोगों का रौडी शीट्स निकाले। फिर भी आप लोगों से सबसे ये रौडी शीटर्स पे कुछ भी आप लोगों को कॉम्प्लेंट है बेतुका आप लोग का कॉम्प्लेंट कर सकते हैं, डायल 100 नंबर को कॉल कर सकते हैं, हमारे सीपी साहब पे नज़र में जाता। ऐसा ये रौडी शीटर्स के कारनामों पर सीपी साहब हमारे लोगों को भी टास्क फोर्स वालों को भी खड़ी नज़र रखने के लिए हमारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए साहब। अब सबसे गुजारिश है ऐसे चीज़ नहीं होना चाहिए, ये कत्ल करना, ये नशा करना, ये पूरे गलत चीज़ें हैं, आप लोगों का मुस्तकबिल नहीं कर लेना, ख़राब नहीं कर लेना।